यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हिमाचल सरकार ने किया बड़ा फेरबदल, 11 आईएएस और 91 एचएएस अफसरों के किए गए तबादले। मंगलवार देर रात किया जयराम सरकार ने बड़ा फेरबदल। आज से 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर, दोपहर बाद शिमला से उड़ान भर, शाम को पहुंचेंगे दिल्ली। बिलासपुर दौरे पर रहे बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, दौरे के दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत अधिकारियों को लगाई जमकर फटकार। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सोलन पहुंचे राजीव बिंदल का हुआ जोरदार स्वागत, लोगों ने किया विधायक का फूल मालाओं से स्वागत। डॉक्टर डेजी ठाकुर प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष हुई नियुक्त, 3 साल तक रहेंगी पद पर तैनात। बीजेपी महिला मोर्चा की राज्य सचिव थी डेजी ठाकुर। डॉक्टर रचना गुप्ता बनी मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्यपाल ने डॉक्टर रचना गुप्ता को दिलाई शपथ। अखिल हिमाचल क्षेत्रीय महासभा ने उठाई हिमाचल में संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को बैन करने की मांग, कहा सरकार ने मांग नहीं मानी तो सड़कों पर उतर कर करेंगे जोरदार प्रदर्शन। ननखड़ी में 6 घरों और 1 मंदिर में लगी भीषण आग, आगजनी से 11 परिवार हुए प्रभावित, दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू, पीड़ित परिवारों को दी गई 5,000 रुपए की आर्थिक मदद। कांगड़ा में मानव रहित क्रॉसिंग बना हादसे की वजह, धीमी गति से जा रही ट्रेन से टकराई वैन, हादसे में 2 लोग घायल। और शिमला को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद शुरू, शहर की कायाकल्प बदलने के लिए बीओडी ने की पहली बैठक।